किधर भाई? चलो भाई आगे चलो चलेंगे अर्शद तो भाई मजा। का। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? पेंडो पांडा इज बैक विद एन अदर व्लॉग। आज का व्लॉग फिर से वही कहूंगा बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम जाने लगे हैं। दूसरा दिन हम कराची आए हुए हैं, कल गए थे शॉपिंग करने सदर वगैरह, और आज हम जाने लगे हैं जी सीवीओ और उसके बाद क्लिफ्टन और दोबारा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अहमद भाई जरा आप लोग बनाएंगे, आपको इंशाल्लाह बाहर का माहौल चेक कराएंगे। कैसे अहमद भाई? आपको बुलाया किसने? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं, आपको बुलाया किसने? बिलाल भाई भी आ रहे हैं माशाल्लाह। शाहनवाज भाई रक्षा निकालो यार, क्या मसला है? कुछ ऐसा है कि मेरी जो वॉइस मैंने जो मतलब माइक वगैरह लगाए हुए थे ना यार, वो ठीक नहीं थे और हवा भी थी, इस वजह से वॉइस नहीं क्लियर आई। सो मुझे वो वॉइस करने पड़े डिलीट और करना पड़ा इस व्लॉग में वॉइस ओवर। तो करें क्या बोले सारे भाई साहिबान जो है ना, वो अर्शद भाई को कह रहे थे कि यार खाना खिला दे भाई, खाना खिला दे, क्योंकि अर्शद भाई ने आज हमें खिलाना है खाना वापसी पर, तो इसलिए उसको जो है ना वो तंग कर रहे थे सारे। लेकिन अर्शद भाई भी माशाल्लाह बहुत ही कट्टर निकले, उन्होंने भी आखिर नहीं खिलाया इस दौरान। हालांकि बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा शुक्र लगा। ये शफीक भाई को भी हमने उठाया रास्ते में और सीवी की तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चल दिया। ये रहा कराची का गोल्डन बॉय सड़कों पर घूमता हुआ। फाइनली गाइज हम सीवी साइड पर पहुंच चुके थे। बहुत ही मतलब अच्छा माहौल था, धूप तो थी थोड़ी बहुत ही, लेकिन काफ़ी खूबसूरत माहौल था और काफ़ी लोग आए हुए थे। माशाल्लाह बहुत वीआईपी माहौल है यार। अच्छा यार, इधर फिर से आ गया, वो वहाँ चल के आपको दिखाते हैं फिर। चले अकनवाज भाई आगे, फिर चलो भाई आगे चलेंगे। अर्शद भाई कहाँ पे? अर्शद भाई आ जाओ यार, जल्दी आओ। मैंने कहा शायद मेरी बात पे यार आप लोगों को ट्रस्ट ना, इसलिए जो है ना ये जो थोड़ी सी मैंने वॉइस चलाई है, देखा होगा आपने कितनी बैड क्वालिटी ऑफ साउंड है। सूरज चाचा अपनी गर्मी के जोहर दिखाने की फुल कोशिश कर रहे थे, लेकिन समंदर भैया उनको कहाँ आने दे रहे थे। और यहाँ पर ये शंटू हजरात जो है ना, वो सॉरी बिलाल भाई साहब को यार सॉरी हो गया, बहुत ही अच्छे लोग थे ये मेरे, बहुत ही उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। और ये जो है ना भाई साहब टिकटॉक बना रहे थे सारे भाई जान, वो हकनवाज भाई को पीछे देखे, उन वो अपनी अलग ही दुनिया में भाई साहब चल रहे हैं। बैग चैक उठाया हुआ था, सामान था इसमें व्लॉगिंग वाला, और जो है ना फुल टाइम भाई ये बंदा कुछ अलग लेवल पे ही जो है ना वो इंजॉय मार रहा था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो अभी वही सोच रहे थे कि क्या खाएं क्या करें, ठीक है। तो लेकिन शाहनवाज भाई ने पकड़ लिया, नहीं सॉरी शाहनवाज भाई को पकड़ लिया इस चचा ने, चचा चाट वाले ने। अरे क्या क्या बोल रहा हूँ भाई आज मैं, चचा चाट वाले ने इनको पकड़ा, कहा भाई आओ बैठो उस राय की भाई हमारे, हाँ चलो आ जाओ बैठो बैठो बैठो। तो सारे बैठ गए भाई, बिलाल भाई ने खिलाई हमें पेस्ट्रियाँ, जो कि भाई 10 रुपए वाली 5 रुपए वाली यहाँ पे मिल रही थी 50 रुपए की, लेकिन शाहनवाज भाई को काफ़ी पसंद आई। अभी हम भी चेक करके देखते हैं कैसी लगती है, फिर आपको बताते हैं। लेकिन शाहनवाज भाई तो भाई उड़ रहे थे आज, फुल टाइम एंजॉयमेंट, हैवी माहौल, काम शाम सारा कुछ खत्म, काफ़ी अच्छी थी यार, सो गुड। ये आ चुकी है जी हमारी चना चाट, अब इसको खाकर हम आपको बताते हैं कि ये कैसे थी। सीवी साइड पर यार वैसे आप नॉर्मली जब आए ना, तो आपको चाहिए घर से कुछ बना कर लाएँ, या फिर जो है ना कहीं और से बाहर से लेकर यहाँ पर आकर खाएं, लेकिन यहाँ पर ना खाएं। ये हकनवाज भाई जी मोबाइल में अब घुस चुके थे, अब निकल ही नहीं रहे थे। तो समंदर वाले साइड पे थोड़ा सा आए हम, थोड़ा सा वीडियो बनाई, लेकिन जो है ना वहाँ पर सही से बने नहीं यार वीडियो ना। ये सारा इस बंदे का काम है, ये भाई जान हमें काफी आगे तक ले गए। मैंने कहा भी है भाई नहीं करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। है मजा बिलाल भाई, ये बंदा जी फुल आगे तक चला गया था, इसको मैंने रोका भी। चीटिंग करता है तू,
साथ में मुझे भी यार हालत है तो क्या है। ये भाई नहीं नहाए, ये तीन भाई बिल्कुल भी करीब भी नहीं गए। भाई साहब सुबह से निकले, शाम हो गई लेकिन अभी तक खाया कुछ भी नहीं था सही से, मतलब थोड़ा पता खाया था। तो अब हो रही थी शाम, व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच गाइज़।